हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग एयरशिप के बारे में देखेंगे। आखिर एयरशिप क्या है, इसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करें एयरशिप। एयरशिप एक प्रकार का एरोस्टेट या हवा से हल्का विमान है जो अपनी शक्ति से हवा में उड़ सकते हैं। एरोस्टेट हवा में रहने के लिए आवश्यक लिफ्ट को प्राप्त करने के लिए आसपास की हवा की तुलना में कम घनत्व वाली लिफ्टिंग गैस से उछाल का उपयोग करते हैं। शुरुआती डिरिजिबल्स में इस्तेमाल की जाने वाली लिफ्टिंग गैस हाइड्रोजन थी। इसकी उच्च उठाने की क्षमता और तत्काल उपलब्धता के कारण, लेकिन अंतर्निहित ज्वलनशीलता के कारण कई घातक घटनाएं हुई जिससे हाइड्रोजन एयरशिप अप्रचलित हो गया। वैकल्पिक लिफ्टिंग गैस हीलियम गैस ज्वलनशील नहीं है लेकिन दुर्लभ और अपेक्षाकृत महंगी है। महत्वपूर्ण मात्रा में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में खोज की गई थी और कुछ समय के लिए हीलियम केवल उत्तरी अमेरिका में एयरशिप के उपयोग के लिए उपलब्ध था। 1960 के दशक में निर्मित अधिकांश एयरशिप में हीलियम का उपयोग किया गया था, हालांकि कुछ में गर्म हवा का उपयोग किया गया। एयरशिप का लिफाफा गैस बैग बना सकता है या इसमें कई गैस से भरे सेल हो सकते हैं। एयरशिप में इंजन, चालक दल और वैकल्पिक रूप से फेलोर्ड आवास भी होते हैं जो आमतौर पर लिफाफे के नीचे लटके एक से अधिक गेंडलों में रखे जा सकते हैं। एयरशिप के मुख्य प्रकार गैर कठोर, अर्ध कठोर और कठोर एयरशिप है। गैर कठोर एयरशिप, जिन्हें अक्सर विलिप कहा जाता है, लिफाफे के आकार को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से आंतरिक गैस के दबाव पर निर्भर करते हैं। अर्ध कठोर एयरशिप आंतरिक दबाव से अपना आकार बनाए रखते हैं, लेकिन इसमें से कुछ प्रकार की सहायक संरचना होती है, जैसे कि एक निश्चित कील जो इससे जुड़ी होती है। कठोर एयरशिप में एक बाहरी संरचनात्मक ढांचा होता है जो आकार को बनाए रखता है और सभी संरचनात्मक भार वहन करता, जबकि उठाने वाली गैस या अधिक आंतरिक गैस बैग या कोशिकाओं में निहित होती है। कठोर एयरशिप को पहले काउंट फर्डिनेंड वान जेपोलियन द्वारा बुलाया गया था और निर्मित अधिकांश कठोर एयरशिप का निर्माण उसके द्वारा स्थापित फर्म लुफ्त चिफाऊ जेपोलियन द्वारा किया गया था। नतीजतन कठोर एयरशिप को अक्सर जेपेलियन कहा जाता है। एयरशिप पहले ऐसे विमान थे जो नियंत्रित चालित उड़ान में सक्षम थे और 1940 के दशक से पहले सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले थे। उनका उपयोग कम हो गया क्योंकि उनकी क्षमता हवाई जहाज से आगे निकल गए। उनकी गिरावट हाई प्रोफाइल घटनाओं की एक श्रृंखला से तेज हुई, जिसमें 1930 में फ्रांस में ब्रिटिश R-101 की दुर्घटना और जलन 1933 और 1935 में जुड़वा हवाई विमान वाहन यूएस नेवी हीलियम से भरे रेजिडेंस क्रम से यूएस ओक्रोन और यूएस मैकॉन के तूफान से संबंधित दुर्घटना और 1937 में जर्मन हाइड्रोजन से भरे हिडेनबर्ग का जलना शामिल। 1960 के दशक से हीलियम एयरशिप का इस्तेमाल किया वहां किया जाता रहा है जहां लंबे समय तक मंडराने की क्षमता गति और गतिशीलता की जरूरत से अधिक होती, जैसे विज्ञापन पर्यटन वैमानिकों के अगर ऋणी वर्षों के दौरान एयरशिप और शिप ऑफ द एयर जैसे शब्दों का मतलब किसी भी तरह का नौगम्य एवं निर्देशित उड़ान मशीन था। फेडक हेडले फेज को हवा के जहाजों का जिक्र करते हुए बताया गया है, जिसमें छोटे यात्री प्रकारों को एयर यॉट कहा जाता है। बड़े अंतर महाद्वीपीय उड़ने वाली नौकाओं को कभी कभी हवा के जहाज एवं उड़ने वाले जहाज भी कहा जाता है। आजकल एयरशिप शब्द का प्रयोग केवल संचालित निर्देशित गुब्बारों के लिए किया जाता है। उप प्रकारों को कठोर, अर्ध कठोर एवं गैर कठोर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उनके पास एक न्यूनतम संरचना होती है जो गैस लिफाफे के अधिक दबाव के साथ संयुक्त रूप से आकार बनाए रखती है। एरोस्टेट एक ऐसा विमान है जो एरोडाइन के विपरीत उछाल एवं स्थिर लिफ्ट का उपयोग करके हवा में उड़ता रहता है, जो हवा में घूमकर लिफ्ट प्राप्त करता है। एयरशिप एक प्रकार का एरोस्टेट है। एरोस्टेट शब्द का इस्तेमाल एक फ्री फ्लोटिंग बैलून के विपरीत एक टेथर्ड और मोर्ड बैलून को इंगित करने के लिए भी किया जाता है। एरोस्टेट आज समुद्र तल से अधिक ऊंचाई का पेलोड उठाने में सक्षम है, विस्तारित अवधि के लिए हवा में भी रह सकते हैं, खासकर जब ऑनबोर्ड जनरेटर द्वारा संचालित किया जाता है। तो यदि टेथर में विद्युत कंडक्टर होते हैं, इसकी क्षमता के कारण एरोस्टेट का उपयोग दूर संचार सेवाओं के लिए प्लेटफॉर्मों के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्लेटफॉर्म वायरलेस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन 2001 में घोषणा की कि वह ब्राज़ील में 140 मील क्षेत्र में सेलुलर फोन सेवा देने के लिए एयरबॉर्न पेलोड का उपयोग करेगा। यूरोपीय संघ की एब्सोल्यूट परियोजना की कथित तौर पर आपदा प्रतिक्रिया के दौरान दूरसंचार प्रदान करने के लिए बंधे हुए एयरोस्टेट स्टेशनों का उपयोग खोज कर रही थी।
ब्लिप एक कठोर एरोस्टेट है, ब्रिटिश उपयोग में किसी भी गैर कठोर एरोस्टेट को संदर्भित करता है जिसमें बैराज गुब्बारे और अन्य पतंग गुब्बारे शामिल हैं, जिसमें एक सुव्यवस्थित आकार और स्थिर पूंछ पंख होते हैं। कुछ ब्लिप पावर्ड ड्री बिगल्स हो सकते हैं, जैसा कि गाइडर ब्लिप के शुरुआती संस्करणों में था। बाद में गुड़ियर डिरिगिबल्स, हालांकि तकनीकी रूप से अर्ध कठोर एयरशिप को अभी भी कंपनी द्वारा ब्लिप कहा जाता है। जेपेलिन की बात करें तो जेपेलिन शब्द मुख्य रूप से जर्मन जेपेलिन कंपनी द्वारा निर्मित हवाई जहाजों को संदर्भित करता है, जिसमें 20वीं सदी से शुरुआती वर्षों में पहले कठोर हवाई जहाज का निर्माण और संचालन किया गया था। आमतौर पर उनके शिल्प के सीरियस पहचानकर्ताओं को आगे लाया जाता है। सुव्यवस्थित कठोर एयरशिप को अक्सर जेपेलिन के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि इस कंपनी ने अपने द्वारा उत्पादित एयरशिप की संख्या के कारण प्रसिद्धि हासिल की थी। हालांकि इसका प्रारंभिक प्रतिद्वंद्वी पार्सल अर्ध कठोर डिजाइन था। हाइब्रिड एयरशिप सकारात्मक एरोस्टेट योगदान के साथ उड़ते हैं, जो आमतौर पर सिस्टम के खाली वजन के बराबर होता है और परिवर्तनीय पिलोट प्रणोदन का वायुगतिकीय योगदान द्वारा बनाए रखा जाता है। एयरशिप को उनके निर्माण की विधि के अनुसार कठोर, अर्ध कठोर और गैर कठोर प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। एक कठोर एयरशिप में एक कठोर ढांचा होता है जो बाहरी त्वचा मारण से ढका होता है, आंतरिक भाग में लिफ्ट प्रदान करने के लिए एक या अधिक गैस बैग, सेल या गुब्बारे होते हैं। कठोर एयरशिप आमतौर पर बिना दबाव वाले होते हैं और इन्हें लगभग किसी भी आकार में बनाया जा सकता है। अधिकांश लेकिन सभी जर्मन जेपेलिन एयरशिप इस प्रकार के हैं। अर्ध कठोर एयरशिप में किसी प्रकार की सहायक संरचना होती है, लेकिन मुख्य आवरण को लिफ्टिंग गैस के आंतरिक दबाव द्वारा आकार में रखा जाता है। आमतौर पर एयरशिप में एक विस्तारित आमतौर पर जोरदार कील होती है जो आवरण के निचले भाग के साथ चलती है, जो निलंबन भार को आवरण में वितरित करके बीच में मुड़ने को रोकती है, जबकि आवरण के निचले दबाव की भी अनुमति देती है। गैर कठोर एयरशिप को अक्सर ब्लिप्स कहा जाता है। अधिकांश लेकिन सभी नहीं अमेरिकी गुडियर एयरशिप ब्लिप्स रहे। एक गैर कठोर एयरशिप उड़ान के दौरान अपने आकार को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से आंतरिक गैस दबाव पर निर्भर करता है। कठोर डिजाइन के विपरीत गैर कठोर एयरशिप के गैस लिफाफे में कोई डब्बे नहीं होते, हालांकि इसमें अभी भी आमतौर पर हवा वेल नॉट्स वाले छोटे आंतरिक बैग होते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है लिफ्टिंग गैस फैलती है और वेल नॉट्स से हवा वाल के माध्यम से बाहर निकल ताकि पतवार का आकार बना रहे। समुद्र तल पर लौटने के लिए प्रक्रिया उलट जाती है। इंजन के निकास से हवा को स्कूप करके और सहायक ब्लोअर का उपयोग करके वेलोनॉट्स में वापस हवा को मजबूर किया जाता है। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।